हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। किसी भी पोजिशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप फ्रेशर है तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जो कि आपकी रहेगी लगभग 1380 के करीब वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, मतलब कि कंपनी के अंदर आप ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे। ऑन रोल का मतलब क्या होता है? कंपनी में आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे और सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें, जो कि डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे कि कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज सैलरी रहेगा वो आपका देखने को मिलेगा 32,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी देखने को मिलेगा। और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि जानना बहुत जरूरी है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी आपका क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं, एलिजिबल हैं। और अगर आपने यहाँ पे 4 साल का BBTech कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि BA BCom BSc कर रखा है तो भी एलिजिबल रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, वो सैलरी उस पर डिपेंड करने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, वहाँ पे आपको मेंशन किया होगा कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी ऑलरेडी, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। उसके लिए वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900+ आपको लाइक करवाने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने क्या कर रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूं। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू वैकेंसी निकाला गया है। Naukri.com के थ्रू वैकेंसी देखने को मिलेगा, इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सभी वैकेंसी को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे Naukri.com एप्लीकेशन पे। पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वो देखने को मिल जाती है यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट आपका परचेज का यहाँ पे रहने वाला है और ये वैकेंसी निकाली गई है टाटा ऑटोकॉम की तरफ से, जो कि टाटा स्टील का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जेन्युइन आपको देखने को मिलेगा, स्टार रेटिंग यहाँ पे दे रखा है, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं आप एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन आपका पुणे महाराष्ट्र का देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखी है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरी ब्रांचेस के लिए भी वैकेंसी है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे पहली वैकेंसी डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए निकाली गई है, या फिर अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जैसे कि BA BCom BSc कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपको यहाँ पे एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, तो ये 2 की स्किल है जो इन्होंने मेंशन कर रखी है। आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल आना चाहिए और यहाँ पे आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि आपको स्लाइड और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाती है कंपनी के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपका फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको देखने को
मिल जाता है। और इसके अंदर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएबी आपने कर रखा है, बीए बी कॉम बी एस सी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने की स्किल को मेंशन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे एक्सेल को, तो आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, डाटा एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, तो उसको आप अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाता है, जॉब ट्रेनिंग रह गया, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग रह गया कंपनी के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा आपको देखने को मिल जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 5 लाख रुपए तक का, अबाउट कंपनी के बारे में दे रखा है। अब बात कीजिए अप्लाई कैसे करना है, टॉप पे बटन दिखेगा अप्लाई का, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंपनी आपका सेम रहेगा टाटा ऑटोकॉम लिमिटेड, जो कि टाटा स्टील का एक पार्ट है, स्टार रेटिंग दे रखा है, जेन्युइन आपको देखने को मिलेगा, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, पुणे महाराष्ट्र का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को एक और अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बी बी टेक कर रखा है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिलेगा दोनों पोजीशन पे, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, या आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, परमानेंट बेस पे यहाँ पे काम करेंगे। कैंडिडेट यहाँ पे डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल में मेंशन भी कर रखा है 2022 और 23 वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 2021 या 20 या 19 में पास आउट हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपको कैंटीन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको मिलेगी, आने जाने का जो खर्चा रहेगा कंपनी आपके यहाँ पे करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे फुल टाइम परमानेंट जॉब है, ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, लेकिन आपके एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने बी बी टेक कर रखा है मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका रहेगा यहाँ पे की स्किल को अच्छे से एक बारी पढ़ लीजिएगा जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगा, जॉब ट्रेनिंग रहेगा, सॉफ्ट ट्रेनिंग रहेगा कंपनी के द्वारा आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है कंपनी के द्वारा मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए तक का कंपनी के द्वारा मिलेगा, अबाउट कंपनी के बारे में दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर अप्लाई का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें जो कि यहाँ पे आ रखी है टाटा पावर के द्वारा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या है ना कि वैकेंसी अभी लोड हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है वो अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टाटा पावर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली टाटा पावर, और टाटा पावर के अंदर जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी है वो सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का, इसमें अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई का बटन है इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बी बी टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलता है यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो अगर आपने बी टेक कर रखा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इंजीनियर ट्रेनिंग का, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, इसमें भी कंपनी आपकी टाटा पावर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जॉब लोकेशन इंडिया में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट भी मेंशन कर रखा है हर वैकेंसी के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोजीशन है उसका जो लास्ट डेट रहेगा 6 अगस्त 2023 के बाद ये वैकेंसी एक्सपायर हो जाएगी, और यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे 31 जुलाई से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ पे 24 जुलाई से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए, जिसमें आपका टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसका जो लास्ट डेट रहेगा 22 अगस्त इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा, 22 अगस्त से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर देना। और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जॉब लोकेशन आपका चेन्नई का देखने को मिलेगा, चेन्नई आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इंजीनियर ट्रेनिंग का, ये आपका रहेगा मास कम्युनिकेशन के अंदर, इसके अंदर आपका जो रहेगा कंपनी टाटा पावर लिमिटेड आपको देखने को मिल जाती है, इंडिया में बहुत सारी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलती है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 31 अगस्त इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मैंने फिल्टर लगा रखा है यहाँ पे, आपको फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
तो आपके सामने सारी वैकेंसी शो हो जाएगी, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।